ये हीरो चूना लगाने वाला काम कर रही है, वो ना करके अगर वो अपने बाइक अपने प्रोडक्ट्स पे वर्क करे, बाइक्स देखे ना तो भाई वो थोड़ी सी पतली होती जा रही है, उसके अंदर फीचर्स तो आ रहे हैं बट बाइक कमजोर होती जा रही है। इतना पेमेंट हमेशा नहीं है कि मैं 200 का पेट्रोल उसमें मैनेज करके रख सकूं। और पहले वाली बाइक्स क्या आती थी, उसके अंदर हम 100 रुपये का पेट्रोल भरवाते थे, घूम के आते थे और पेट्रोल खत्म तो भैया रिजर्व में डाल के घर तक तो चली जाती थी। सो हीरो उसके ऊपर काम नहीं कर रहा है, वो काफी एक डिसअपॉइंटेबल पॉइंट है। रजिस्टर बनाने में 200 पेट्रोल रखना पड़ता है 200 के ऊपर का, और कार्बोरेटर सही है, कार्बोरेटर सही है, डायरेक्ट है, और इसमें पेट्रोल खत्म हुआ तो भाई लग गए आपके, आपको गाड़ी वहीं खड़ी करनी पड़ेगी। जो हीरो वो चीजें दे रहा था ना उसमें प्लस पॉइंट तो था, बट अभी उसकी बारे में डिटेल में बात करेंगे ना तो उसमें बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि अच्छी भी हुई है। ब्लॉग 32 डे 32 एक और नए राइड की शुरुआत एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। So guys, वाइजर आज मैंने ब्लैक से व्हाइट कर लिया बिकॉज उसमें बहुत सारे दिक्कत आ रहे थे। एंड वाइजर ब्लैक जो होता है ना उसमें क्या होता है कि जैसे कि हम रात को वापस आते हैं ना तो वाइजर नीचे नहीं कर पाते हैं, एंड उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जैसे कि भाई देखो एक तो कीड़े मकोड़े घुस जाते हैं मुंह में यार, तो हेलमेट होने का क्या ही फायदा जब कीड़े मकोड़े तुम्हारे मुंह में घुस जाए हैं। सो इसलिए मैंने व्हाइट वाला लगवा लिया क्योंकि व्हाइट वाला ज्यादा बढ़िया है ब्लैक वाले से। ब्लैक वाला मतलब इसे शो ऑफ करने के लिए बढ़िया है, अगर कोई फर्क नहीं पड़ता और आपका ज्यादातर काम डे का होता है ना तो आप ब्लैक वाला लगा लो यार। एंड अगर ऐसा है ना मतलब आपका रात को भी कभी कल आना जाना हो जाता है तो आप ये ट्रांसपेरेंट वाला रखो ही रखो, और ऐसा हो सकता है साथ में कैरी करो चेंज कर लो, बट वो थोड़ा ज्यादा वो हो जाता है जैसे कि ज्यादा ट्रिकी हो जाता है, तो लगा लो व्हाइट वाला वो ज्यादा बढ़िया रहता है। सो गाइस ये रही वो गाड़ी जिसके अंदर रिजर्व का सिस्टम आता है, मतलब ये ओल्ड स्प्लेंडर आती है, ये हीरो की ओल्ड वाली स्प्लेंडर है। इसका रिजर्व सिस्टम मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो सिस्टम होता है ना ये रिजर्व करने के लिए होता है, मतलब जैसे कि आपका पेट्रोल वगैरह फ्यूल वगैरह खत्म हो गया तो थोड़े कार्बोरेटर में होते हैं ना, तो यहाँ से आप इसको रिजर्व में डाल सकते हो एंड गाड़ी इजीली आपको 1-2 किलोमीटर तक आई मीन पेट्रोल पंप तक लेके चली जाएगी। ये जो वेरिएंट है वो BS4 वेरिएंट है बिकॉज इसके अंदर आपको कार्बोरेटर वगैरह भी देखने को मिल जाता है, एंड ये जो है ना सिर्फ BS4 में आता है। सो ये काफ़ी अच्छी सिस्टम थी, और अभी वाले सिस्टम्स में क्या आता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, एंड आपको भी पहचानने में दिक्कत होती होगी भाई BS4 और BS6 में ही कन्फ्यूजन होती होगी कि हाँ कौन सी BS4 है BS6, बिकॉज देखने में ना सिमिलर सी लगती है। थोड़ी बॉक्स ग्राफिक्स वगैरह की अलग अलग चीज़ बात करें तो देखो इसमें जो डिज़ाइन है ये दिख रही है ना ये वाली डिज़ाइन ये आपको BS6 में नहीं मिलती, इसकी ग्राफिक्स कुछ अलग मिलती है देखने को। एंड उसके साथ आपको ये फ्यूल टैंक के साथ कुछ BS6 में अलग दिखता है, जैसे कि मोटर वाला सिस्टम आ चुका है तो वो BS6 में आपको देखने को मिलता है, ये BS4 है। ठीक है, सो ओल्ड स्प्लेंडर जितनी अच्छी थी ना उतनी ही अभी ख़राब होती जा रही है। अभी देखने जाए तो इसका इंजन उसके मुकाबले ना अभी थोड़ा बहुत दमदारी हुआ, हालांकि है दोनों सेम सीसी का बट ये अच्छी चलती है उसके मुकाबले में। टेक्नोलॉजीज एडवांस होती जा रही है बट धीमे धीमे बाइक की वाट लगाती जा रही है हीरो। सो ये उम्मीद नहीं थी हीरो से, भाई हीरो ये सब चीज़ें कर तो रहा है, मतलब अच्छी इंप्रूवमेंट तो ला रहा है बट बाइक की वाट लगाते जा रहा है बिकॉज बाइक में ऐसी ऐसी चीज़ें। अभी देखो इसमें क्या है ना कि इसमें अफोर्डेबल भी था एंड उसके साथ साथ ही कभी इमरजेंसी में आपका फ्यूल वगैरह कम हो जाए ख़त्म हो जाए तो ये आपको काफ़ी सपोर्ट करती थी, बट उसमें नहीं है। उसमें क्या है कि सिस्टम अगर फ्यूल ख़त्म सो बंद, अगर आप 200 से ऊपर पेट्रोल नहीं रखते हो तो आपका मोटर जलने का चांसेस रहता है, तो ये काफ़ी डिसअपॉइंट वाली चीज़ है। बाकी आओ देख लेते एक बार उसके सिस्टम्स पे भी। ये है BS6, इसके ग्राफिक्स वगैरह भी देख सकते हो काफ़ी अलग है। ठीक है, बट देखने में थोड़ा सा सिमिलर ही लगता है, जैसे कि आप ये देख ही रहे हो भाई सिमिलर है भाई, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। देखो यहाँ पे जो कार्बोरेटर का ऑप्शन है, कार्बोरेटर का ऑप्शन हट चुका है, मतलब आप इसमें रिजर्व नहीं डाल सकते हो, ये डायरेक्ट है, और इसमें पेट्रोल ख़त्म हुआ तो भाई लग गए आपके, आपको गाड़ी वहीं खड़ी करनी पड़ेगी। ठीक है, i3s के साथ वैसे दोनों वेरियंट आते हैं बट ये BS6 है और वो BS4 है। सबसे मेन चीज़ तो यही दिक्कत हुई है कि भाई इसमें कार्बोरेटर हटा दिया है जो कि एक समय पे सही चीज़ था, और बाकी इंजन की बात करें तो भाई इंजन भी उससे तो थोड़ा सा डैम मतलब समझ थोड़ा सा डाउन है दबाव। कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है बट एक बार पेट्रोल गया तो आप बैठ जाओगे भैया। सो 200 के ऊपर रखना पड़ता है पेट्रोल इसके अंदर, इस पर इंस्ट्रक्शन भी दे रखे हैं ऊपर स्टिकर पे। सो ओपिनियन टाइम, तेरे को BS4 मॉडल में कार्बोरेटर वाला अच्छा लगता है या फिर ये जो मोटर सिस्टम वाला है वो वाला? मोटर सिस्टम क्यों, इसका रीजन बता। अरे रिजर्व में ले जाओ 60 किलोमीटर। रिजर्व में 60 किलोमीटर मोटर सिस्टम में पागल है क्या भाई? तेरे को पहले ये नहीं पता कि मोटर सिस्टम क्या है, वो कार्बोरेटर क्या है?
मोटर सिस्टम वाले में 200 पेट्रोल रखना पड़ता है 200 के ऊपर का, और कार्बोरेटर सही है, कार्बोरेटर सही है। सो ओपिनियन में ना हमेशा BS4 ही जीत रहा है, बिकॉज देखो उसमें बहुत सारी ऐसी एडवांटेजेस, मतलब देखो विजय से भी पूछ सकते हैं भाई, उसने भी बोला कि हाँ BS4 मतलब कार्बोरेटर वाला सही है, हालांकि उसको पहले समझ नहीं आया उस चीज़ को, मतलब समझने में थोड़ा टाइम लगा, बट उसने भी वही बोला भाई देखो हर चीज़ का एक नए का ओपिनियन सही होता ही है। अगर पुरानी बाइक्स के मामले में अभी नए वाली बाइक्स देखें ना, तो भाई वो थोड़ी सी पतली होती जा रही है, उसके अंदर फीचर्स तो आ रहे हैं बट बाइक कमज़ोर होती जा रही है। सो हीरो उसके ऊपर काम नहीं कर रहा है, वो काफ़ी एक डिसअपॉइंटेबल पॉइंट है। एंड उसके साथ ही साथ कार्बोरेटर वाला आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करता था, और एक मतलब जैसे कि एक मिडिल क्लास जैसे कि हम लोग हो गए, मैं हो गया ठीक है, सो मेरे पास उतना पेमेंट हमेशा नहीं है कि मैं 200 का पेट्रोल उसमें मैनेज करके रख सकूँ। और पहले वाली बाइक्स क्या आती थी उसके अंदर हम 100 रुपये का पेट्रोल भरवाते थे, घूम के आते थे, और पेट्रोल ख़त्म तो भैया रिजर्व में डाल के घर तक तो चली जाती थी, तो वो सब चीज़ें उसकी प्लस पॉइंट थी। और अभी वाली क्या है, अभी वाली में कम से कम 200 से ऊपर पेट्रोल रखो, अदरवाइज मोटर जल जाएगा, तो आपको 200 से ज़्यादा का नुकसान फटका लगेगा, मतलब चूना लगता है। ये हीरो चूना लगाने वाला काम कर रही है, वो ना करके अगर वो अपने बाइक अपने प्रोडक्ट्स पे वर्क करे एंड अच्छे अच्छे चीज़ें मतलब उसके अंदर अच्छे अच्छे फीचर्स डाले, बट बाइक की पावर और उस चीज़ों पे इफेक्ट ना पड़े उससे, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। एक तो पहले की बाइक देखो, आज की बाइक देखो, पहले जो ओल्ड बाइक आती थी ना उसका बॉडी वगैरह देखो ना, तो बॉडी भी सही था, बट अभी बाइक धीमे धीमे पतली करती जा रही है हीरो, सो माइनस पॉइंट है भाई इसका। इसलिए BS4 और BS6 में लोग BS4 को ज़्यादा बेस्ट बताते हैं, क्योंकि वो उसका प्लस पॉइंट था कि भाई रिजर्व में काफ़ी हेल्प मिलता था, और उसके में और ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि अभी पहले वाली बाइक थोड़ी मोटी अभी पतली हो गई, तो वो भी इसका माइनस पॉइंट है भाई। जितनी हल्की होगी ना बाइक, उतने मतलब समझ लो कि फीलिंग आती है ना चलाने में, फीलिंग नहीं आएगी भाई, हल्की बाइक चलाने में फीलिंग नहीं आती है, जो बाइक हैवी चलाने में मजा आता है। सो दिस इज़ माई ओपिनियन एंड ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, मेरे को क्या चीज़ अच्छी लगी क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, कि हीरो किया मतलब करते जा रहा है, कितना खराब करता रहा है, कितना अच्छा कर रहा है, मतलब ये जो चीज़ें थी ना वो मैंने बताया है, मैंने अपना ओपिनियन दिया है, मेरे को और किसी का नहीं पता। एंड एक और चीज़ गाइज, कि मेरे जैसे काफ़ी लोग ऐसे सोचने वाले होंगे कि हाँ, और एक और चीज़ कि जो हीरो वो चीज़ें दे रहा था ना उसमें प्लस पॉइंट तो था, बट अभी उसकी बारे में डिटेल में बात करेंगे ना, तो उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि अच्छी भी हुई हैं। जैसे कि अब पहले के सिस्टम में ले लो भाई, पहले क्या होता था, पहले हम माइलेज रोते थे, माइलेज अच्छा दे रही है, माइलेज आज भी अच्छा दे रही है, ऐसा नहीं है माइलेज आज खराब दे रही है, बट पहले क्या था सिस्टम कि हम कार्बोरेटर को लेके चलते थे कि हाँ कार्बोरेटर ऑन किया हम बहुत दूर तक सफ़र कर लेते, बट अभी के सिस्टम में ऐसा हो गया है कि पहले जो कार्बोरेटर था उसके अंदर एयर और फ्यूल ये सब जो चीज़ें हैं वो हमारे कंट्रोल में था, कितना हमको ऑयल मतलब जैसे कितना हमारा पेट्रोल इंजन तक पहुंचना चाहिए ये सब हम कंट्रोल करते थे बेसिकली, तो ये सब चीज़ें ऐसे होता था, ऐसे वर्क करता था पूरा इंजन। अभी क्या है, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आ चुका है, तो उससे क्या होता है कि एक चिपसेट होती है जिससे आपका इंजन का तापमान, आपके एक्सलेशन एंड उसके साथ ही साथ आपका क्या बोलते हैं ये फ्यूल वाला मीटर जो होता है, मतलब फ्यूल एंड कितना फ्यूल पास हो रहा है, ये सब चीज़ें वो चिपसेट कंट्रोल करता है। सो उससे क्या होता है कि आपकी बाइक के अंदर कितना टेम्परेचर हो रहा है, क्या है रहा है, उसके हिसाब से मेंटेन होकर बाइक चलती है। एंड यस, इसलिए थोड़ा बहुत आवाज़ की इश्यू होती है मोटर्स की वजह से, क्योंकि यार वो मोटर चल रहे हैं तो गर्म होंगे ठीक है, और जैसे इंजन गर्म होता है थोड़ा बहुत दबाव पड़ने लगता है। सो वही चीज़ पहले कार्बोरेटर वाले में उतना अच्छे से वर्क नहीं करता था, तो उसमें क्या हम अपने हिसाब से कंट्रोल करते थे और प्रेशर ज़्यादा बनता था, हम 3 लोग भी बैठते थे बट पिकअप उठाती थी, बट बाइक गर्म हो जाती थी, और गर्म होती थी तो फ्यूल ज़्यादा जाता था। सो बट हमको लगता था कि यार सही माइलेज अच्छा है, पहले बाइक अच्छी थी अभी अच्छी नहीं है। सो ये फ्यूचर है गाइस, जिसे धीमे धीमे डेवलप हो रहा है, धीमे धीमे बाइक्स चेंजेस ला रही है अपने अंदर। हाँ, वो एक चीज़ कर सकती है कि भाई जिससे पहले पूरी मेटलिक बॉडी आती थी ना वो वैसी कंटिन्यू कर सकती है, बट उसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न है गाइस मेटलिक बॉडी ना करने के लिए, वो बाइक ज़्यादा हैवी हो जाती थी, और ये थोड़ी सी लाइट वेट बाइक है, एंड लाइट वेट बाइक में तो यार काफ़ी लोगों को मज़ा आता है, काफ़ी लोगों को नहीं आता है, मेरे को तो नहीं आता, लिटरली ओपिनियन मेरा ये है। एंड बाकी और कुछ दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है वैसे वैसे चीज़ें बढ़ती जाएंगी, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज होती जाएंगी। सो इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम बस ओपिनियन दे सकते हैं, कंपनीज अपने पर्पस से चलती है, हमारे पर्पस से तो नहीं चलने वाली, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय, एंड सी यू।